भी मौज भी लो 100% हो गए तो रोबोट कहलाओ, फिर आदमी हिटलर कहने लगेगा। समझ गया सर? क्या है डिसिप्लिन में, या सावधान, चलो सबसे पहले ये करना है, सबसे पहले वो करना है, सबसे पहले ये करना है, सबसे पहले वो करना है। आज हम आपको एक मंत्र बताने वाले हैं जो जिंदगी में हम फॉलो करते हैं हमेशा। जब कभी भी सुबह 5:30 पे मेरा अलार्म बोलता है, दोस्त सुन लेना, ये मंत्र बहुत काम में आएगा। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए क्लास में। कल एक बच्चे ने बहुत अच्छा कमेंट किया और हमें लगा कि इसके ऊपर हमें वीडियो बनानी चाहिए। उसने पूछा कि सर जिंदगी में अनुशासन का क्या महत्व है, यानी जो डिसिप्लिन है वो कितना मैटर करता है और आपकी जिंदगी कितनी डिसिप्लिन्ड है, आपका क्या पूरा जो शेड्यूल है वो क्या करते हैं भाई आप। तो नंबर एक, हम एक एक करके बताएंगे अनुशासन का महत्व क्या है। पहले तो आपको यह समझना पड़ेगा कैसे, अगर आपको जिंदगी को ट्रैक से लेके ऊपर उड़ा के ले जाना है, नहीं सर अंधाधुंध तरीके से अगर उड़ना है जिंदगी तो डिसिप्लिन तो लाना पड़ेगा। लेकिन हर चीज की अति खराब होती है, तो अगर आप अंधाधुंध डिसिप्लिन पे उतर आए तब भी दिक्कत है, और कतई डिसिप्लिन जिंदगी नहीं है तब भी दिक्कत है। समझाते हैं किस तरीके से चीजें करनी है, किस तरीके से आप जिंदगी को अनुशासन में ला सकते हैं। कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, आप केवल दो टिप्स को फॉलो करें, हम इस बात की गारंटी ले रहे हैं कि आप डिसिप्लिन में जिंदगी ले आएंगे। देखिए सबसे पहले तो आप यह समझ लें, कोई भी व्यक्ति 100% डिसिप्लिन नहीं हो सकता है। अगर कोई यह कह रहा है कि वो 100% डिसिप्लिन है, इसका मतलब वो मेंटली डिस्टर्ब है। क्या मतलब, समझाते हैं। एक आदमी था जिसका नाम बहुत लोग जानते होंगे, हिटलर। सुना सबने, लोग उसे हिटलर क्यों बोले, बल्कि कोई अगर आपके चारों तरफ दिख जाए आपको थोड़ा सा हड़का दे परेशान, ये ज्यादा हिटलरगिरी दिखाते हैं। देखा सर, अगर हम ही हैं, हम बच्चे हमें बताते नहीं, लेकिन मान लीजिए जैसे हालांकि हम बहुत बहुत कम कोशिश करते हैं किसी को मारें तोड़े ना, कुछ कहें ना, लेकिन जब बच्चा बहुत दुखी हो, मतलब कतई दुखी कर लेता तो क्या करता है, फिर एक डंडे मार दिए। अब जब बच्चे भले कितनी मोहब्बत करो लेकिन जब डंडा पड़ता है तो बच्चा ज्यादा हिटलर बनते हैं, हिटलर के पिताजी बन रहे हैं। हिटलर आदमी क्यों कह रहा है, क्योंकि वो जिंदगी में हद से ज्यादा डिसिप्लिन हो गए थे। नहीं, अगर पता है 2:30 बजे भी सोए हैं तब भी अगर 3 बजे उठना है तो उठना है, 4 बजे उठना है तो उठना है, वो वाला सिस्टम हो गया था। तो ओवरऑल बात यह थी कि हद से ज्यादा डिसिप्लिन जो है फिर वो आदमी को रोबोट बना देता, रोबोट। तो रोबोट नहीं बनना है नंबर एक, ठीक। अब नंबर दो, तो फिर डिसिप्लिन कैसा होना चाहिए और क्या होना चाहिए। देखो भाई, डिसिप्लिन के अगर आपको जिंदगी में डिसिप्लिन चाहिए तो आपको नंबर एक प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अब ये प्रैक्टिस क्या है, प्रैक्टिस आती है मजबूरी से। अब ये मजबूरी कैसी, मजबूरी जिसे हम लोग कह सकते हैं जैसे बचपन में मम्मी पापा ने हड़का के रखा हुआ है, सुबह उठ के स्कूल जाना ही है तो आपकी मजबूरी है, स्कूल में टीचर ने हड़का रखा नंबर लाना ही है मजबूरी है, पेपर पड़ोस में आ गए पढ़ना ही है मजबूरी है। यानी जब आदमी जो है, जब आदमी के ऊपर मजबूरी होती है तो फिर क्या करता है वो, फिर वो मजबूरी में क्या करता है, फिर वो प्रैक्टिस लगातार उस काम को करता है, और जब करता है तो वो उसकी आदत बन जाती है। जैसे अपने अंदर की बिल्कुल फीलिंग बता दें, कभी कभी क्या होता है, जैसे आज मेरी एक भी वीडियो चैनल पर नहीं आई, आप देखा होंगे दिन में 2-2, 3-3 वीडियो आती है, लेकिन आज एक भी वीडियो पब्लिक नहीं हुई किसी भी चैनल पे, क्योंकि हम क्या था, बहुत सारा आज काम था, हम उसे निपटाते रहे, और अभी भी शायद हम आपको थके हुए लग रहा हूं, मुंह भी नहीं धोया ऐसे ही लगा दिया कैमरा हमने। क्यों, क्योंकि एक्चुअल में हमने ये सोच लिया है बहुत अच्छी तरीके से कि यार करना तो है, तो रो रो के क्यों करें। हमने अपनी मम्मी, और ये एक एज में नहीं है, हमारी एज मान लिया 27-28 है, हमारी जो मम्मी है उनकी एज मान लिया 54 के करीब, हमसे डबल है लगभग वो, लेकिन हम उनसे पूछते तुम इतना काम करती रहती हो थकती नहीं हो, बोले अब जब करना ही है तो। यानी हर दौर के एक टाइम के बाद आदमी को समझ में आने लगता है कि अब हमें करना ही पड़ेगा, और ऐसा करने के लिए कोई बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं लगानी, केवल आपको लगातार काम करना। ये रिसर्च है कई सारी जो कहती है कि अगर व्यक्ति लगातार काम करता है तो उसकी आदत में जो लत लग जाती है, तो लत जब अच्छी चीज, बुरी चीज की लत लग सकती है तो अच्छी की भी लग सकती है। हमें आज भी ये वीडियो हम क्यों बना रहे, चाहते सो जाते चलो कोई बात नहीं कल आएंगे, लेकिन रियलिटी है कि जिस दिन मेरे मेन चैनल यानी अपने ये मेन चैनल बी डिगेडियन पे वीडियो नहीं आती है उस दिन हमें नींद ही नहीं आती है। बड़ा अजीब लगता रहता है यार, आज मैं बताओ यार सब कुछ किया लेकिन हम वीडियो नहीं डाल पाए। बताओ यार, भले ही एक वीडियो डाल देते, लाइव चला देते, लेकिन बताओ यार हमारे पास इतना टाइम नहीं था कि हम 5 मिनट की वीडियो नहीं बना पाए। भले ही वो 5 मिनट की नहीं है वीडियो, आप देखिए कलम ने डाली आधे घंटे की हो गई थी, जेन्युइन एक्सपीरियंस है, कोई रटा हुआ स्क्रिप्टेड तो है नहीं, रोबोट बन के आए। डिसिप्लिन में, या सावधान, चलो सबसे पहले ये करना है, सबसे पहले वो करना है, सबसे पहले ये करना है, सबसे पहले वो करना है, वीडियो खत्म चलेगा, ऐसा नहीं है सर। ये डिसिप्लिन चीज है, देखिए हर जगह पर डिसिप्लिन नहीं चल सकता। डिसिप्लिन, अब हम इसे कहें मजे में डिसिप्लिन हो तब मजा आता है। तो दूसरा नंबर एक काम क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है आपको लगातार, कुछ दिन मजबूरी बना लो, अपने आप को फंसा लो। कैसे, हमने आप लोगों से वादा कर दिया है कि आपके पेपर से पहले हम चीजों को करा गए, अब हम फंस गए, अब हमें कराना ही पड़ेगा, वरना नीचे आके आदमी गालियां देगा, तू कह के गया था करा नहीं पाया, बेकार आदमी। समझ गया सर? तो यानी अपने आप को फंसा लो ऐसी कंडीशनों में, फंसाने का मतलब निगेटिव नहीं, ऐसी कंडीशनों में जैसे मान लिया आपने दुकान खोली, अब दुकान मान लिया आपकी दुकान मतलब पढ़ाई है,
अब आपने क्या किया, आपने पूरे मोहल्ले में गा दिया या लोगों अपने दोस्तों को बता दिया कि हम जो है डेली 4 लाख रजिस्टर भरते हैं और डेली देखना तुम्हें दिखाएंगे नए नए रजिस्टर। अब अगले दिन तुम गए नहीं रजिस्टर भर पाए, दोस्त मजाक उड़ाएंगे अरे यार लपेट के चला गया। तो यानी अपने आप को फंसा लो चीजों में, किस तरीके से फंसाओगे आप काम करने के लिए वो आप समझो हर चीज में। यानी सबसे पहले उस प्रैक्टिस को आपको बनाना पड़ेगा और वो प्रैक्टिस बनने में अगर आपने ऐसा करने में आप 30 दिन तक आपने कर लिया, हम गारंटी ले रहे हैं। जैसे हम पहले डेली गोलगप्पे खाने जाते थे, कुछ दिन बाद हमें ऐसा लगा यार मेरी जिंदगी में कुछ छूट रहा, जिस दिन नहीं जा पाते थे रात के 11 बजे जाते लेकिन गोलगप्पे खा के आते थे। ये रियलिटी है। यानी किसी भी काम को अगर आप लगातार करते रहेंगे तो अपने आप जिंदगी धीरे धीरे डिसिप्लिन हो जाएगी, ठीक है। बाकी बिल्कुल 100% डिसिप्लिन नहीं होना है, वरना आप लोग आपको रोबोट कहने लगेंगे। हमने पहले भी कहा जैसे अगर बाई चांस सुबह जो है डेली मान लिया अभी पेपर आने वाले तो करो मेहनत, आगा के उठ जाओ, जब लगे कि यार आज ठीक है छुट्टी है तो एक दिन आराम कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, अब ये यहाँ पे 100% वाला सिस्टम खत्म हो गया। अब एक दिन अगर आपने पड़े हो गए सोते रहे 12 बजे तक, मतलब डिसिप्लिन आप 100% नहीं है। लेकिन अब बॉडी यार खुद के जिंदगी मौज लेने का नाम है, डिसिप्लिन होना है। जब जरूरत है तब डिसिप्लिन है, जब नहीं जरूरत है कभी कभार एक आध दिन मौज ले लो तो ऐसी कोई टेंशन नहीं। जिम वाले भी एक दिन चीट डे देते हैं कि भैया जाओ जाके खा लो जाके, कोई टेंशन नहीं। अब जब आप अपना टारगेट पूरा ना कर पाओ 30 दिनों के अंदर तो करना क्या, तो केवल एक काम करना, अपने आप को सजा देनी। सजा क्या देनी है वो भी समझा देते हैं। मेंटेलिटी सेट करनी पड़ेगी आपको। जब आप कुछ अच्छा अचीव करो तो अपने आप को प्राइज दो। प्राइज कैसा होता है, छोटे छोटे प्राइज। बोले आज हमने क्या किया, आज हमने ये अचीव किया, अगर मेरा बजट अगर 2000 का तो हम एक घड़ी लेके आएंगे। जब उस घड़ी को देखोगे आपको होगा यार मेरा एक अचीवमेंट है। बड़ा नहीं है कोई बात नहीं, छोटी चीज ले आए, कोई छोटी चीज ले आया 5 रुपए के खर्च किए, 5 रुपए में क्या किया एक समोसा खा लिया। कुछ लोग कहेंगे समोसा तो नहीं दिखाई देगा वो तो पहुंच जाएगा कहीं और, कोई बात नहीं याद तो रहेगा कि हमने ये अचीवमेंट। हम अपने आप से कह लिया कि हम जब ही, मान लिया आपका फेवरेट समोसा है तो आपने कह दिया हम तभी समोसा खाएंगे जब हम एक टारगेट ये पूरा कर लेंगे। अब सोचो कितना मजा आएगा, यार पिछली बार समोसा तब खाया था यार जब वो टारगेट पूरा कर लिया था, यार इतने दिन हो गए यार कोई नया हम कुछ अच्छा कर नहीं पाए, इसका मतलब जो है अब यार समोसा वोसा क्या ही खाएं यार बताओ, जिंदगी में कुछ कर ही नहीं पा रहा। तो फिर आपका मन करेगा करने का, और जब हो जाए तो जाइए समोसे खा गया, आज मजा आ गया, आज हमारा एक और टारगेट पूरा हो गया, समझ गया सर। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, छोटे छोटे गोल्स बनाइए, अपने आप को सजा दीजिए कि आज जो है अब क्यों नहीं कर पाए काम, यार अब कुछ नहीं और मेहनत करेंगे आज रात में, जो अगर दिन में इतना काम नहीं कर पाए तो कोई बात नहीं, अब उस काम को हम निपटाएंगे बैठ के, जब तक कर नहीं लेंगे तब तक सोएंगे नहीं। छोटी छोटी सजा दे ली अपने आप, ये नहीं अपने आप को चनगड़ा मानने लगे सुई घुसड़ ऐसा नहीं करना। तो जिंदगी में डिसिप्लिन का बहुत महत्व है। अब रह गई मेरी बात, हमारी जिंदगी कितनी डिसिप्लिन है, तो जिस आदमी के ऊपर बहुत सारा काम लदा होता है उस व्यक्ति की जिंदगी डिसिप्लिन ऑटोमेटिक हो जाती है। हमें डेली 5:30 बजे उठना ही पड़ता है, चाहे हम खुश होकर उठें चाहे हम रो के उठें। आज हम आपको एक मंत्र बताने वाले हैं जो जिंदगी में हम फॉलो करते हैं हमेशा। जब कभी भी सुबह 5:30 पे मेरा अलार्म बोलता है, दोस्त सुन लेना ये मंत्र बहुत काम में आएगा, जब कभी भी 5:30 पे मेरा अलार्म बोलता है हमें ऐसा लगता है कि आज मेरा उठने का मन नहीं है, लेकिन हमने डेली का नियम बना रखा है 100 सेकंड का, हम क्या करते हैं, हम कहते हैं सत्यम बेटा जितना मौज लेनी हो ले लो, जितना सोना हो सो लो, लेकिन तुम्हारे पास 100 सेकंड है। और अलार्म बजते ही अलार्म बंद करते हैं और 100 तक गिनती गिनना शुरू करते हैं आंखें बंद करके, 1, 2, 3, 4, 30, 40 तक पहुंचते पहुंचते दिमाग में आने लगता है यार सो भी नहीं पा रहे हो, गिनती गिनके दिमाग भी खराब कर रहा है, उठ जाओ फटाफट। तो जिंदगी में अपने आपको एक टारगेट दे दो यार, 5:30 बजे तुम्हारे पास 20 सेकंड है, 20 सेकंड जितना सोना सो लो, कोई दिक्कत नहीं, 100 सेकंड और मौज ले लो, क्या दिक्कत है। जहां 5:30 पे उठेंगे वहां 1.5 मिनट लेट उठ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 100 सेकंड है तुम्हारे पास, 100 सेकंड जितनी हम तुम्हें दे रहे हैं मौज करने के लिए, मौज करो लेकिन 100 सेकंड। अब 100 सेकंड आज तक नहीं हुआ कभी भी, हम उठ जाते हैं उससे पहले क्योंकि गिनती गिन रहा होता दिमाग चल रहा होता, नींद भी नहीं आ रही, अरे यार इससे बढ़िया उठ ही जाओ, क्या 100 तक गिनती पहुंचा, उठ जाते हैं। तो उम्मीद करते हैं पूरी बात समझ में आ गई होगी, डिसिप्लिन चीजें होनी चाहिए। बाकी कभी कभी मौज भी लो, 100% हो गए तो रोबोट कहलाओ, फिर आदमी हिटलर कहने लगेगा, समझ गया सर। बाकी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कल काफी सारी अच्छी अच्छी वीडियोस लेके आएंगे, आज काम बहुत ज्यादा था ठीक है, हालांकि अब हमें इसके लिए सजा देनी चाहिए खुद को, ऐसा करते हैं मूंगफली छीलेंगे बैठ के। हम मिलते हैं आपसे एक और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, कल आते हैं बहुत सारी वीडियोस, चलिए सर।